बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर साहब। ये जो बिल है ये इसकी मैं थोड़ी बैकग्राउंड देना चाहूंगी। माशाल्लाह जो पिछली असेंबली थी पहले मूव कर लेना इसे। ओके नहीं मूव करना चाह रही हैं। द बिल टू मेक प्रोविजंस टू स्पेसिफिकली क्रिमिनलाइज एसिड एंड बर्न रिलेटेड वायलेंस बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड स्पीडी ट्रायल ऑफ सच हीनियस ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद एंड इंसिडेंटल टू द एसिड एंड क्राइम बिल 2014 बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट वंस। फीचर्स भी बात कर जी। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर साहब। इसका बैकग्राउंड कुछ यूं है कि असेंबली ने, पिछली असेंबली ने यूनानिमसली बहुत अच्छी तरीके से जो है पहला एसिड बिल पास किया था, और उस एसिड बिल की वजह से जो एसिड के जो घनौने जो क्राइम्स हैं इस पूरे मुल्क में वो बहुत ज़्यादा कम हुए थे। तो एक जब लेजिस्लेशन होती है किसी असेंबली में, किसी पार्लियामेंट में, उसके बाद जब उसकी क्राइम डिक्रीज होती है तो ये एक बहुत बड़ा खराज तहसीन जाता है पूरी पार्लियामेंट में। और मैं पिछली असेंबली को, बेशक पिछली असेंबली में हम ऑपोजिशन में थे, लेकिन हमने ऑपोजिशन में मूव किया और ये यूनानिमसली उस वक्त जो है पास हुआ, और इससे पूरे मुल्क का फ़ायदा हुआ। तो ये एक अच्छी लेजिस्लेशन थी उस वक्त की जिसने इंसिडेंसेस जो है रिड्यूस किए। ऑब्वियसली एसिड का जो इंसिडेंस है ये खत्म नहीं हो गया है, बट डेफिनेटली कम हुआ है। पहली बात तो ये कि ये जो है इसलिए कम हुआ है क्योंकि एक बिल आया, एक लॉ आया, और लॉ की वजह से उसकी पकड़ हुई। अब हम चाहते हैं कि उस पर कुछ एडिशनल बेहतरी लेके आए, सो ये इसको वर्जन 2.0 समझें। और ये वर्जन 2.0 में बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि इट प्रोवाइड्स इंटरिम मॉनेटरी रिलीफ टू विक्टिम्स बाय द स्टेट फॉर एक्सपेंसेस लॉसेज इनकर्ड। सेकेंड, इट पीनलाइजेज द वंस हु अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम अलॉन्ग विद देयर एड्स एंड अबेटर्स। थर्ड, इंश्योर्स दैट मेडिकल पर्सनल आर अंडर लीगल ड्यूटी टू इन्फॉर्म लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज एंड टेक फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ द इंजरीज। Fourth, obligates the medical personnel of government-run facilities to provide free examination, medical treatment, and rehab to the victims. Five, offers a comprehensive investigative mechanism not exceeding more than 60 days. Six, renders legal action against the investigating officer in case of negligence and punishment of defective investigation. Seven, provides a time frame for trial to be 7 days and day-to-day proceedings to be conducted. Recommends establishment of acid and burn crime monitoring board with 33% women representation to ensure and monitor effective implementation of this act. Lays down a comprehensive framework for the funding of the board. Offers free medical treatment rehab facility for the acid burn victims of the by the government. Now the main thing इसमें जो है वो ये है कि जब पूरी दुनिया ने आपको पहली दफा acid crime legislation का बिल पास करते हुए देखा तो पूरी दुनिया ने आपको खराज तहसीन यूं पेश की कि उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी। वो डॉक्यूमेंट्री माशाल्लाह पाकिस्तान की फर्स्ट ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री हुई, जो शर्मीन उबैद चिनॉय ने जो है उसको जीता। वो हम सबकी जीती, उसकी वजह से ये इशू जो है गैर जो है फोकस में आया, उसकी वजह से है इंसिडेंसेस कम गए। हमारी लेजिस्लेशन साउथ एशिया के बहुत सारे मुल्कों में, और अब यूके भी मैंने भेजी है वहां भी, क्योंकि ये इशू सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, हमारी जो लेजिस्लेशन है वो एक एग्जाम्पल सेट कर रही है दूसरे मुल्कों के लिए भी। तो ये इस असेंबली को, इस पार्लियामेंट को बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है कि ये लेजिस्लेशन जो है इंटरनेशनली हेल्प कर रही है इस क्राइम के इश्यूज के ऊपर। अब ये क्राइम क्यों होता है? जब एक खातून रिफ्यूज करती है कोई एडवांसेस फ्रॉम अ मैन, उस आदमी ने जो है गुस्से में आके उसको जो है वेंजेंस में आके ये कर देता है। उसके अगर कोई प्रॉपर्टी इश्यूज होते हैं उस पर हो जाती है, हजार इश्यूज होते हैं। कॉटन ग्रोइंग एरियाज में ये ज्यादा होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसका प्रोसीजर कुछ यूं है कि जब ये बिल आया, आपने इस पर डेट देखी 2014, मैं ट्रेजरी बेंचेस में हूं, ये बिल 2014 में मूव हुआ, आज 2017 है। माशाल्लाह अल्लाह साईं जो करम आ तो फाइनली अचीव हो, पर पॉइंट ही आप बहुत देर से आया, और जब आया भी तो हुआ ये कि उसका प्रोसीजर ये था कि उसने कमेटी में जाना था, माशाल्लाह ये कमेटी में गया, माशाल्लाह उस कमेटी ने पास किया, माशाल्लाह ये वापस आया, और फिर उसके बाद जो है यहां से पास होना उसका जरूरी बनता है, फिर
मिनट जाना है, लेकिन मजे की बात यह कि जब इंटीरियर मिनिस्ट्री या लॉ मिनिस्ट्री का वक्त था इस पे ऑब्जेक्शंस या बहसियां या एडिशंस या कोई भी चीजें देना, उस वक्त तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो कहीं नहीं नजर आए। मैं ट्रेंचरी बेंचेस पे होते हुए क्रिटिसाइज कर रही हूं कि आप अपना काम सही टाइम पे करें। आपको ये बाद में ख्याल आया, ओहो ये बिल पास हो चुका है, इसमें कुछ टाइपोज है, इसमें कुछ इश्यूज है, हम इसको वापस देख लेते हैं। यू आर नॉट फॉलोइंग योर ओन प्रोसीजर्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप असेंबली के काम में उसको प्रोसीजर्स को फॉलो करें।